नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो आज हमारे साथ हमारे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जो कि आए हैं उड़ीसा से, और आज हम इनसे पूछेंगे कि ऑफलाइन में इनका ना एक्सपीरियंस कैसा रहा। कई लोगों का कहना रहता है कि अगर हम लोग ऑफलाइन की क्लासेस में जाते हैं तो सिर्फ ढेर सारा पैसा खर्चा होता है लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिलता है। तो आज हम इनसे एक रिव्यू लेंगे और ये बताएंगे, अपने सच्ची अनुभव आपसे शेयर करेंगे कि आज ये पटना पहुंचे हैं हमारे पास। मैं संतोष कुमार स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से बोल रहा हूँ कि आज ये पहुंचे हैं और आज इनकी क्लासेस लगभग 15 से 18 रोज हो चुकी है, और इसके बीच में इन्होंने क्या पाया। तो चलिए पहुंचते हैं हम ये गिरीश जी से। कहिए जी। कहिए गिरीश जी, आप इससे पहले भी कहीं ऑफलाइन में गए थे? नहीं सर, नहीं गए थे। नहीं गए थे। ऑनलाइन क्लासेस आपने लिया था? ऑनलाइन मतलब तीन ऑनलाइन क्लास लिया आपने। अच्छा, तीन ऑनलाइन क्लास में आपके कितने पैसे खर्चे हो गए? लगभग सर 18,000। 18,000 रुपए खर्चा हो गए, और उसके बावजूद भी आप फिर अभी ऑफलाइन में आए। ठीक है, आपको जो ऑनलाइन में मिला और आज आप जो ऑफलाइन में अनुभव फेस किया है, इसमें क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन में सर सब कुछ पढ़ाया लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा कहीं ना कहीं बीच में इंटरनेट का इशू या फिर सही से ग्राफिक नहीं आना, इस तरह का ऐसा कुछ दिक्कत हुआ। फीस तो लग गए वो सारे फीस। ओके ठीक है, अभी आप ऑफलाइन में आए, आपको कितना दिन हुआ? 20 दिन हो गया। ठीक है, अब आपको लगता है कि ये 20 दिन में हमने कुछ सीखा या फिर कुछ अनुभव पाया? पूरा की पूरा सर 36 नाम है, जीरो से पूरा एडवांस तक हम सीख लिए पूरा। अच्छा, हर दिन एडवांस तक सीखे सर? हर दिन पूरा नया नया एक तो सीखने के लिए मिला हमको, और भी हम घर से लाए थे 20 मोबाइल, पूरा सीपू निकाल के बैठाया, राम निकाल के बैठाया, पूरा ऑन किया और हर दिन एक एक तो ऑन किया। अच्छा, हर दिन एक एक ऑन करके आप? सर। और अगर मान लिया जाए कोई फोन ऑन नहीं हुआ तो क्या मैं उसको बना करके दिखाया आपको? ये सर आपने डायरेक्ट लाइव प्रैक्टिकल पूरा दिखाए, हमारे से नहीं हुआ था लेकिन आप बना के 10-12 घंटा में बना के दिखाए। तो आप अभी क्या कहना चाहेंगे हमारे जो अभी व्यूअर्स देख रहे हैं? ये लोग सोचते हैं कि ऑफलाइन में सिर्फ पैसे खर्चे होते हैं, तो आपका ऑफलाइन में कितना पैसा खर्चा होगा? सर 30,000। 30,000, 25,000 रुपए आपने फी दी है और 5,000 रुपए आपने आपका रहना खाना सब मेंटेन हो गया। जी सर। ठीक है, आपका 30,000 में आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, यानी आपको ये लग रहा है कि 30,000 रुपए खर्च करके हम एक सक्सेसफुल टेक्नीशियन बन सकते हैं। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन में 18,000, 20,000, 25,000 देख करके भी मन में डाउट रह जाता है। जी सर। और सपोज दैट कहते हैं कि 10 दिन दुकान बंद कर देंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, 15 दिन दुकान या 20 दिन दुकान बंद करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक बार मुझे बताइए, अगर हम सीखे ही नहीं तो उस दुकान को 10 साल अगर हम चलाते हैं तो 10 साल हमारा नुकसान नहीं जाएगा ना? जी सर। ये बात सोचा है किसी ने? नहीं। कि अगर हम नहीं जाते हैं कहीं, घर बैठे ही रहते हैं या फिर ऑनलाइन के ही भरोसे रह गए। ठीक है, ऑनलाइन में मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं सीखते हैं, ऑनलाइन मैं भी पढ़ाता हूँ, सीखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं सीख पाए ऑनलाइन में तो वो ऑफलाइन में आ सकते हैं, आना चाहिए। नहीं तो अगर वो सोचेंगे कि 10 दिन में दुकान बंद करके जाऊंगा, 20 दिन जाऊंगा, मेरा 20 दिन को नुकसान होगा, और अगर वो बिना ट्रेंड हो के दुकान चलाएंगे तब तो उसका सारा दिन का नुकसान है और लाइफ टाइम नुकसान है। जी सर। कहीं ना कहीं लाइफ टाइम नुकसान है। जी सर। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि हम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सीखनी तो पड़ेगी। जी सर। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ऑनलाइन ही सीख सकते हैं, अगर ऑनलाइन आप सेटिस्फेक्शन नहीं होते तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी अमाउंट खर्चा नहीं होता है, कम से कम खर्च में हम ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। जी सर। लेकिन सर ऑफलाइन सीखने से हैंड स्किल बढ़ जाता है, पूरा 0 से 100% पूरा हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा, और काफी लोग ये भी कहते हैं गिरीश जी, जैसा मुझे लगता है कि ऑफलाइन में आता है तो हम सिर्फ बहुत बड़ा स्क्रीन पे देखते हैं, सिर्फ स्क्रीन पे दिखाया जाता है। क्या आप दिन भर स्क्रीन पे क्लास लिए थे या आपने आंखों से सामने देख करके आपने प्रैक्टिकल किया? नहीं, पूरा आंखों से माइक्रोस्कोप देख के पूरा 10 घंटा पूरा प्रैक्टिकल किया हम। आपने देखा कि हमने ट्वीजर कैसे पकड़ा? यस सर। कौन सी पैच हमने कैसे लगाया? यस सर। आईसी को किस तरह से हमने उठाया, किस तरह से लगाया, अगर एक कंपोनेंट मिसिंग हो गए तो उसे हमने किस तरह से फिक्स किया, और कि जहां तक कि एक एक लाइन कि हमारा सीक्वेंस कैसे चलता है,
अगर हम पावर की दबाते हैं तो पहला कौन वोल्टेज बनेगा, दूसरा कौन बनेगा, तीसरा कौन बनेगा, ये सारी चीज क्या आपने बड़ा टीवी पे देखा या फिर मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया मदरबोर्ड पे? डायरेक्ट सर लाइव मदरबोर्ड पे देखा या आपने टीवी पे देखा? मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड पे देखा। एक एक स्टेप आप करते जाइए वो मदरबोर्ड पे देखा, देखा आपने कहा मदरबोर्ड पे चेक करे नहीं करे। टीवी तो हमारा एक सेकेंड व्यू है, टीवी क्या है हमारा सेकेंड व्यू है कि अगर हमें कहीं डॉट रहा कि आखिर प्रिंटर का नोक कहाँ पे टच है, उस चीज को हम देखने के लिए हम टीवी पे देखते हैं ना। यस सर, ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको कभी अपना टूल नहीं दिखाया, हम कैसे काम कर रहे हैं नहीं दिखाया आपको, मेरे सामने बैठ करके जिस तरह से अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह से आपने मेरे सामने बैठ करके सब कुछ देखा। यस सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गृह जी एंड नगर जी। और नगर जी आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, मेरे तो कहने का दिक्कत है, हिंदी थोड़ा नहीं आता है। हिंदी मेरे दोस्त किसी ने बोल दिया। ओके, यानी कि वो जो बोला सही बोला है, सब सही बोला। और आप है ना आना चाहिए, तो यहाँ से आके ट्रेनिंग लेना तो जीरो से हीरो बन जाएगा जो भी आएगा। 20 दिन देंगे तो आप पूरा 20 साल से तुम काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस पूरा जीरो से 100% आ जाता है सर। यानी कि जो कॉन्फिडेंस हम ऑनलाइन में भी नहीं ले पाए वो ऑफलाइन में हमारा आ जाता है। आप हमारा साथ है ना, 6-7 घंटा हमारा पीछे लग जाता है, इसीलिए तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना। अच्छा अच्छा, सही बात है कि कहीं ना कहीं हम अगर ऑनलाइन में है तो 1 घंटे का क्लास लेते हैं और ऑफलाइन में आप 6-7 घंटे मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज एक लंबी समय हमारा 20 दिन में कवर हो जाता है। चलिए तो एवरीवन, इस तरह से हमारे क्लासेस चलते हैं, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हम क्लास लेते हैं, क्या हमारा शेड्यूल है और किस तरह से आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन रहता है, तो अगर आप हमारी क्लासेस या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी चीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है। ये एक सर्टिफाइड और एक कॉन्फिडेंस लेवल के ट्रेनिंग लेकर के यहाँ से जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अपनी वार्तालाप को खत्म करते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का आपका इंक्वायरी है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।